तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हर स्थिति में खुश रहा करो और लड़ाई झगड़ा नहीं, और एक हो तुम। भगवान के घर से चले छे ना तुम, तो ना तुम हिंदू थे ना मुसलमान थे, ना सिख थे ना ईसाई ना यहूदी। जब भगवान के घर से चले थे ना तुम ब्राह्मण थे, ना तुम क्षत्रिय थे, ना तुम वैश्य थे, ना शूद्र। संसार में आते ही तुम हिंदू के घर पैदा हो गए तो हिंदू हो गए, मुस्लिम के घर हो गए तो मुस्लिम हो गए, सिख ईसाई के घर हो गए तो ईसाई, ब्राह्मण के घर में हो गए तो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय के घर में हो गए। आप हो कौन जरा मुझे बताओ, कौन हो आप? हमारा देश एक लड़ाई बहुत समय से लड़ रहा है और वो लड़ाई आज भी चालू है। पता नहीं हम उस लड़ाई को खत्म कर पाएंगे या नहीं, आप उस लड़ाई को खत्म कर पाएंगे या नहीं, बताओ वो लड़ाई जानते हो क्या है? एक लड़ाई में आपकी बात, आपका ध्यान उस लड़ाई की तरफ आकर्षित करूं। एक लड़ाई है हमारे देश में, एक झगड़ा है हमारे देश में, उसे आप खत्म कर सकते हैं, हम खत्म कर सकते हैं। कैसे जरा समझिएगा। सवाल एक आपसे, फिर एक सवाल, मैं सवाल ज्यादा पूछता हूं आपसे, थोड़ा तैयार रहा करिए। आप परेशान तो नहीं होते? मेरी माँ, ओ मैया, झोले से सवाल निकाल रही हो, उत्तर निकाल लो। मेरी माँ, अच्छा ये बताओ आप कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं भैया? आप बताओ, कैमरे वाले आप दो दो, आप बताओ कितने भाई हैं आप लोग? मैया आप बताओ आपके कितने भाई हैं? कितने? कोई कहता एक भाई हम, कोई कहता दो भाई हम, कोई कहता तीन भाई हम, चार भाई ना। आप कितने भाई हैं? आज यदि आप समझ लोगे तो सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। हम भारत के लोग चार भाई हैं। कोई आपसे पूछे आप कितने भाई हैं, तो आप चार भाई बताया करो। चार भाई कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। टोटल यदि ये चारों लोग भाइयों की तरह रहने लग जाएं, तो क्या मजाल थी अंग्रेजों की और मुगलों की कि भारत को गुलाम बना लें। यदि भारत गुलाम बना तो केवल आपस के झगड़े के कारण। ये बात सही है कि झूठी है? बोलो। फूट डालो शासन करो किसका नारा था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने नारा दिया कि आपस में हिंदुओं को लड़ाओ, फूट डालो और शासन करो। लगभग 200 वर्ष तक शासन किया उन्होंने, केवल इस चक्कर में कि वो हमें आपस में लड़ाते रहे और हम जैसे मूर्ख लड़ते रहे। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। अरे मेरे भाई, छोड़ दो कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक व्यवस्था है। क्या है ये? एक व्यवस्था थी। ब्राह्मण किसी का नाम नहीं है, ब्राह्मण कोई नाम नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है। क्षत्रिय एक व्यवस्था है, वैश्य एक व्यवस्था है और शूद्र एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में रहना है, भेदभाव नहीं करना, आपस में लड़ना नहीं है। यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेम, आपस में लड़ो मत। चार भाई हो आप लोग। मैया, ओ मेरी माँ, जल्दी बैठो मेरी माँ। जल्दी बैठ जाओ, जल्दी आया करो मेरी माँ, दिन भर घर में पंचायत करती रहती हो।
सुनो, दो लोगों को बिठाने के लिए चार लोग लगे हैं बेचारे। जल्दी बैठो मेरी मां। मैया इतनी लेट क्यों हो गई मेरी मां, नहीं मिलती फुर्सत, कल से जल्द सकारे आना। बात हम कर रहे हैं, टाटा वहां कर रही है मैया, फॉर्मेलिटी पूरी निभा रही, हम आ गए।